नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, विनय ग्रुप ऑफ एजुकेशन में फिर से आपका स्वागत है। और आज अपन बात करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल की। अपन ने पिछले लेक्चर में अपन ने बात की थी सेल वॉल की जनरल स्ट्रक्चर की, जिसमें अपन ने मिडिल लेयर मिला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शियरी सेल वॉल की बात की थी। तो आज हम बात करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल यानी कि किसी भी सेल की एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में देखने पर उसमें कौन कौन से अपने को पार्ट दिखाई देखने को मिलते हैं, उन पार्ट का अपन यहाँ क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। मेनली अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखने पर अपने को जो सेल वॉल होती है उसमें मेनली आपको टू पार्ट दिखाई देते हैं। एक होता है नॉन सेल्युलोजिक या मैट्रिक्स पार्ट और एक होता है अपने पास फाइब्रिल पार्ट। ठीक है, ये मेनली कितने भाग में डिवाइड होती है, टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो हम यहाँ बोलते हैं कि जो सेल वॉल है वो मेनली कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, टू पार्ट्स में। देखिए आपका फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। ठीक है, जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो होता है आपका नॉन सेल्यूलोजिक या फिर पार्ट, या फिर अपन बोल सकते हैं मैट्रिक्स पार्ट। ठीक है, क्या होता है, नॉन सेल्यूलोजिक या मैट्रिक्स पार्ट। और दूसरा होता है अपने पास फाइब्रिल पार्ट, फाइब्रिल पार्ट होता है। ठीक है, जो आपके पास यहां जो फाइब्रिल पार्ट है, यहां आपके पास सेल्यूलोज के फाइबर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जो फाइब्रिल पार्ट है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, सेल्यूलोज फाइबर्स। ठीक है, आपको यहां सेल्यूलोज फाइबर्स आपको क्या करेंगे, देखने को मिलेंगे। जबकि आपके पास नॉन सेल्यूलोजिक या फिर मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है उसमें आपको वाटर मॉलिक्यूल्स, इसके अलावा आपको हेमी सेल्यूलोज, इसके अलावा आपके पास पेक्टिन, ठीक है, इसके अलावा आपके पास लिपिड और आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, आपके पास जो नॉन सेल्यूलोजिक या मैट्रिक्स वाला पार्ट रहेगा उसमें आपको वाटर प्लस हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन, लिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, ये वाले पार्ट्स देखने को मिलेंगे। यहां पर आपके पास जो हेमी सेल्यूलोज होता है वो एक प्रकार के बाइंडर की तरह वर्क करता है, एक्ट ए बाइंडर। ठीक है, बाइंडर की तरह वर्क करता है, यानी कि दो आपस में जो मैट्रिक्स होता है इसको प्लस इन फाइबर्स या सेलुलोज फाइबर्स को आपस में बांधे रखने का काम करता है। तो आपके पास जो हेमी सेलुलोज होता है वो करता है बाइंडर की तरह काम, एक्ट ए बाइंडर। ठीक है, ये क्या करता है, बाइंड किसको करता है, सेलुलोज फाइबर्स को, किसमें, मैट्रिक्स में। तो हम यहां लिख सकते हैं सेलुलोज फाइबर प्लस मैट्रिक्स को ये क्या करता है अपने पास, बाइंड करता है। ठीक है, ये क्या करता है, सेल्यूलोज फाइबर्स और मैट्रिक्स को क्या करता है, बाइंड करने का काम करता है। इसके अलावा हम बात करें कि जो हेमी सेल्यूलोज होता है वो एक प्रकार का हेटेरो पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है, ये हेटेरो पॉलीसेकेराइड। हेटेरो पॉलीसेकेराइड का मीनिंग क्या होता है कि ये एक से ज्यादा टाइप के, मोर देन वन टाइप के, क्या होता है, एक से ज्यादा टाइप के मोनोमर से मिलकर आपके पास, या मोनोसेकेराइड होते हैं उनसे मिलकर यह बना होता है। हेटेरो यानी कि एक से ज्यादा प्रकार के आपके पास मोनोसेकेराइड होते हैं। और इसमें जो मोनोसेकेराइड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो अपने पास होते हैं जाइलोज ग्लेक्टोज। ठीक है, जाइलोज होता है, ग्लेक्टोज होता है, मेनोज, ठीक है, अरेबिनोज, एक आपके पास जाइलोज, ग्लेक्टोज, मेनोज, अरेबिनोज, और एक आपके पास होता है यहां पर रेमिनोज। ठीक है, आपके पास जो हेटेरो पॉलीसेकेराइड होता है कौन,
हेमी सेल्यूलोज वो मेनली क्या होता है, बाइंडर की तरह वर्क करता है, और यह सेल्यूलोज फाइबर्स प्लस मैट्रिक्स को क्या करता है, बाइंड करने का काम करता है, और ये एक प्रकार का हेटेरोपॉलीसेकेराइड होता है, यानी कि ये क्या होता है, एक से ज्यादा प्रकार के मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है, और जो ये बना होता है वो आपका बना होता है जाइलोज, ग्लेक्टोज, मेनोज, एरेबिनोज और रेमिनोज, इन सब से मिलकर बना होता है। यहां पर आपके पास, इसके अलावा आपके पास जो ये लिपिड होता है, इसकी बात करें कि लिपिड का वर्क क्या होता है, तो ये हाइड्रोफोबिक जो अपने पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सेल वॉल से क्या, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो हम यहां लिपिड का अगर वर्क लिखें, यहां पर लिपिड का अगर वर्क लिखें तो ये क्या करता है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, सेल वॉल से ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। तो हम यहां लिख देते हैं कि ट्रांसपोर्ट हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है किसका, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स का। इसके अलावा अपने पास यहां पेक्टिन आता है, यहां पर अपन पेक्टिन का वर्क यहां देखते हैं, जो आपके पास पेक्टिन होता है इसका वर्क क्या होता है, जो पेक्टिन होता है ये भी एक प्रकार का क्या होता है, अपने पास हेटेरोपॉलीसेकेराइड होता है। तो हम यहां लिख दें कि ये भी क्या है, अपने पास हेटेरोपॉलीसेकेराइड, ठीक है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड होता है, और जो बना होता है वो किस किस से बना होता है, अपने पास ग्लेक्टोज, एरेबिनोज और ग्लूटोरिक एसिड। तो हम यहां लिख सकते हैं ये किस किस से बना होता है, देखिए अपने पास ग्लेक्टोज, ठीक है, एरेबिनोज, और एक आता है अपने पास ये किससे बना होता है, ग्लेक्टोटोरिक एसिड, एक एसिड, ठीक है, ये इन तीनों से क्या होता है, मिलकर बना होता है, ग्लेक्टोज, एरेबिनोज और ग्लेक्टोरिक एसिड से। अब बात करते हैं इसका वर्क क्या होता है, तो ये क्या करता है, इम्बिबेशन यानी कि अंतः चूषण की प्रक्रिया करता है। जो आपके पास ये पेक्टिन होता है ये इम्बिबेशन यानी कि अंतः चूषण की क्या करता है, प्रक्रिया करता है। इसमें होता क्या है कि वाटर को क्या करता है, अब्जॉर्व कर लेता है। अब्जॉर्व करने के बाद क्या होता है, जो आपकी वुड या लकड़ी होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग यानी वो फूल जाती है। तो ये क्या करता है, इम्बिबेशन का वर्क करता है, जिससे क्या होता है, वुड में स्वेलिंग आ जाती है। बरसात के दिनों में आपको रेन का जो आपके रेनी डे मिलेंगे उनमें, ठीक है। अब उनसे होता क्या है, आपको पता है कि बड़े बड़े जो पर्वत होते हैं, चट्टान होती है, रॉक्स होती हैं, उनमें होता क्या है कि किसी भी अपन को स्टोन को ब्रेक करने के लिए उनमें क्या किया जाता है, बीच में ही आपके वहां पर एक लकड़ी का गट्ठा लगा दिया जाता है, फिर उस पर पानी डाला जाता है, तो उससे वो क्या होता है, इम्बिबेशन से पानी अंदर सोख लिया जाता है, और जैसे ही अब्जॉर्ब होता है पानी तो वो क्या करता है, लकड़ी फूलना स्टार्ट कर देती है, यानी कि वुड क्या में क्या होती है, स्वेलिंग, और जो इम्बिबेशन का जो प्रेशर होता है वो इतना ज्यादा होता है कि वो चट्टान को भी क्या करता है, ब्रेक कर देता है। तो इसका वर्क होता है इम्बिबेशन, और इम्बिबेशन के कारण क्या होती है, स्वेलिंग आती है वुड में, स्वेलिंग इन वुड, ठीक है। ये इसका अपने पास मैट्रिक्स का एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर के पार्ट हो गए, और पार्ट में अपन ने क्या पढ़ा वो एक बार फिर से अपन डिस्कस करते हैं कि आपके पास जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है उसमें सेल वॉल है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला पार्ट होता है नॉन सेल्यूलोजिक या मैट्रिक्स पार्ट, और दूसरा होता है अपने पास फाइब्रिल पार्ट, ठीक है। फाइब्रिल पार्ट होता है उसमें सेल्यूलोज के फाइबर्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, सेल्यूलोज के फाइबर्स, ये बात आप देखिए, ठीक है। दूसरा होता है अपने पास नॉन सेल्यूलोजिक या फिर मैट्रिक्स पार्ट, और नॉन सेल्यूलोजिक या मैट्रिक्स पार्ट होता है उसमें अपने पास वाटर मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं, हेमी सेल्यूलोज देखने को मिलता है, पेक्टिन देखने को मिलता है, लिपिड देखने को मिलता है, और ग्लाइकोप्रोटीन देखने को मिलता है। यहां पर आपके पास जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है ये एक प्रकार की नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन होगी, ठीक है, नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन होती है। अब अपन वर्क करते हैं हेमी सेल्यूलोज का, हेमी सेल्यूलोज का वर्क क्या होता है, ये एक बाइंडर की तरह वर्क करता है, किसकी तरह, बाइंडर की तरह वर्क करता है। ये क्या करता है, मैट्रिक्स के अंदर सेल्यूलोज फाइबर्स को क्या करता है, बाइंड करने का काम करता है। जैसे आपका ये वाला मैट्रिक्स वाला पार्ट हो गया और ये वाला आपके पास क्या हो गया, सेल्यूलोज, तो ये आपस में बाइंड करता है। और यहां आप एक चीज और ध्यान रखिए, जो ये बाइंड करता है वो उसमें जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड बनता है अपने पास हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा ये आपस में क्या करता है, इनको
बाइंड करता है। इसके बाद अपन बात करते हैं, ये हेटेरोपॉलीसेकेराइड होता है, यानी कि ये दो से ज्यादा प्रकार के मोनोसेकेराइड यूनिटों से मिलकर बना होता है। इसकी जो हेटेरोसेकेराइड्स होता क्या है, उसमें अपने पास जाइलोज, ग्लेक्टोज, मेनोज, अरेबिनोज और अपने पास रेमिनोज, ये सब अपने को देखने को मिलता है। इसके बाद आता है अपना पेक्टीन, और पेक्टीन होता है वो भी एक प्रकार का हेटेरोपॉलीसेकेराइड होता है, और वो ग्लेक्टोज, अरेबिनोज और ग्लूटोरिक एसिड से मिलकर बना होता है। इसके बाद करते हैं इसका काम, कि जो आपके पास पेक्टीन होता है वो इम्बीबेशन का वर्क करता है। किसका वर्क करता है, इम्बीबेशन यानी कि अंतःचूषण की प्रक्रिया करता है, जिसके कारण लकड़ी क्या हो जाती है, फूल जाती है, और लकड़ी में क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। और इसका यूज किस में करते हैं, किसी भी चट्टान को ब्रेक डाउन करने के अंदर ब्रेक करते हैं तो अपन इम्बीबेशन का वहां यूज देखते हैं। इसके अलावा जब रेनी डे या बरसात के दिन होते हैं तो अपने जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं वो कठिनाई से जुड़ते हैं, थोड़ा बहुत टाइट हो जाते हैं। उनका टाइट होने का कारण ये होता है कि अपना जो डोर होता है या गेट होता है उस पर रेन की आके गिरती है, बरसात का पानी आके गिरता है, और जैसे ही उस पर बरसात का पानी आकर गिरता है तो उसमें इम्बीबेशन का क्या होता है, प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अपने को पता है जो अपने पास जो गेट मिला बना होता है वो एक डेड सेल से ही बना होता है, अपना डोर होता है, तो इम्बीबेशन जैसे ही हुआ, पानी अंदर आया तो लकड़ी में क्या होगा, स्वेलिंग होगा, लकड़ी क्या होगी, फूलेगी और वो कठिनाई से जुड़ पाएगी। इसके बाद अपन बात करते हैं लिपिड, और लिपिड का जो कार्य करता है वो लिपिड कार्य करता है ट्रांसपोर्ट करता है या स्थानांतरण करता है हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स का, यानी कि वह मॉलिक्यूल्स जो जल को क्या करते हो, जल स्नेही नहीं होते हों, उन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। तो ये उनको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब हम बात करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर की, कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर बनी किसकी होती है, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर बननी किसकी होती है वो देखिए। सबसे पहले अपने पास बीटा ग्लूकोज के 3000 मॉलिक्यूल्स अपने पास क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। 3000 मॉलिक्यूल अपने पास क्या होते हैं, बीटा ग्लूकोज के उपस्थित होते हैं, और वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। जैसे ही 3000 मॉलिक्यूल्स अपने पास बीटा ग्लूकोज के आपस में ऐड होते हैं तो वहां अपने पास सेल्यूलोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सेल्यूलोज का। और जैसे ही सेल्यूलोज के 20 मॉलिक्यूल अपने पास क्या होते हैं, जुड़ते हैं। सेल्यूलोज के कितने मॉलिक्यूल, सेल्यूलोज के जैसे ही अपने पास कितने, सॉरी सेल्यूलोज के जैसे ही अपने पास 100 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो सेल्यूलोज के 100 मॉलिक्यूल्स के आपस में जुड़ते ही अपने पास किसका, माइसीली का निर्माण हो जाता है। और माइसीली के जैसे ही अपने पास 20 मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं अपने पास किसका फॉर्मेशन होता है, माइक्रोफाइब्रिल्स का फॉर्मेशन होता है। और माइक्रोफाइब्रिल्स के जैसे ही अपने पास 250 मॉलिक्यूल्स 250 मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं, तो अपने पास माइक्रोफाइब्रिल्स का निर्माण होता है। तो हम देखते हैं यहां पर एक चीज अपन पहले क्लियर कर लें कि जो ग्लूकोज होता है वो होता है बीटा ग्लूकोज और एक होता है अल्फा ग्लूकोज। इनमें डिफरेंस क्या होता है, आपको ये साइक्लिक रिंग आपको पता है ग्लूकोज की, कि साइक्लिक रिंग कुछ इस प्रकार की होती है, आशा करता हूं आप सभी को पता होगा। यहां पर आपके पास OH और आपके पास OH CH2 और यहां पर आपका CH2OH और यहां पर आपका H, ठीक है, ये आपकी स्ट्रक्चर होती है। अब यहां पर जो ये हो गया C1 कार्बन, C2 C3 C4 C5, ठीक है, और C6। यहां पर आपका जो C1 कार्बन है, अगर यहां OH कहां होगा, डाउन पोजीशन पर होगा, नीचे की ओर होगा, तो ये होगा अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। और अगर यह आपका OH जो मॉलिक्यूल है, यह आपका OH मॉलिक्यूल अगर अपर साइड में है तो यह होगा आपके पास बीटा ग्लूकोज, ठीक है। आपके पास अगर OH होता है C1 कार्बन पर ऊपर की तरफ होता है तो यह अपने पास बीटा ग्लूकोज होता है। अब अपन बात करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर में होता क्या क्या है, तो उसका अपन पॉइंट यहां एक बार करते हैं कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 3000 मॉलिक्यूल्स किसके जोड़ेंगे अपने पास, बीटा ग्लूकोज के, ठीक है। तो अपन यहां एक बार बीटा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना लें, ठीक है, यूं आपके पास स्ट्रक्चर अपने पास बन जाएगी, ठीक है, ये आपके पास, ठीक है। तो ये अपने पास हो गए क्या, 3000 मॉलिक्यूल्स हो गए किसका, बीटा ग्लूकोज के, ठीक है, 3000 मॉलिक्यूल्स हो गए अपने पास किसके, बीटा ग्लूकोज के। अब ये बीटा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर किसका निर्माण करेंगे,
सेल्यूलोज, ठीक है, ये अपने पास मान लीजिए अपने पास सेल्यूलोज बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेल्यूलोज के कितने अपने पास 100, कितने सेल्यूलोज के 100 मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होंगे, अटैच होंगे। और जैसे ही 100 मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होंगे अपने पास किसका फॉर्मेशन होगा, माइसिली का, किसका माइसिली का, ठीक है, अपने पास किसका निर्माण हो गया, माइसिली का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, आपके पास ये माइसिली का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां पर जैसे ही माइसिली के अपने पास कितने मॉलिक्यूल्स 20 मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं तो अपने पास माइक्रोफाइब्रिल्स का निर्माण होता है, किसका माइक्रोफाइब्रिल्स का, और उनके कुछ स्ट्रक्चर आपको यू देखने को मिलेगी माइक्रोफाइब्रिल्स का, ठीक है, ये क्या है अपने पास माइक्रोफाइब्रिल्स, ठीक है, अपने पास ये किसका निर्माण हो गया माइक्रोफाइब्रिल्स का। और जैसे ही माइक्रोफाइब्रिल्स के अपने पास कितने 100 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे, 100 मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होंगे, अपने पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये एक अपने पास जनरल अल्ट्रा स्ट्रक्चर होती है किसकी, सेल वॉल की, कि सेल्यूलोज के कितने मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, 100 मॉलिक्यूल्स जब जुड़ते हैं तो माइसिली का फॉर्मेशन होता है, और माइसिली के 20 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो माइक्रोफाइब्रिल्स का फॉर्मेशन होता है, और जैसे ही इनके माइक्रोफाइब्रिल्स के 100 मॉलिक्यूल्स जैसे ही जुड़ते हैं, सॉरी 250, जैसे ही 250 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो अपने पास मैक्रोफाइब्रिल को निर्माण हो जाता है, मैक्रोफाइब्रिल्स का निर्माण हो जाता है। यहां पर आपके पास जो माइसिली होती है, ये माइसिली सबसे अपने पास क्या होती है, सबसे पहली स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किसकी, अपने पास सेल वॉल की। तो हम बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल वॉल, तो कोशिका की सबसे छोटी संरचनात्मक, कोशिका भित्ति, सेल की नहीं बोल रहा, सेल वॉल की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई क्या होती है, यहां माइसिली होती है, ठीक है, क्या होती है, माइसिली होती है। तो ये आपको एक डायग्राम याद रखना है कि किससे क्या बनता है, तो 3000 बीटा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जब आपस में जुड़ते हैं तो सेल्यूलोज का फॉर्मेशन करेंगे, और जब सेल्यूलोज के आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं तो माइसिली का निर्माण करेंगे, और माइसिली के 20 जुड़कर माइक्रोफाइब्रिल्स का, और माइक्रोफाइब्रिल के 250 जुड़कर मैक्रोफाइब्रिल्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे सेल वॉल के ओरिजिन के बारे में, कि सेल वॉल का जो ओरिजिन होता है वो किस प्रकार से होता है, तो देखिए जो अब अपन यहां लिखेंगे ओरिजिन ऑफ सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल का ओरिजिन कैसे होता है, ठीक है, सेल वॉल का ओरिजिन अपन ने पहले भी बताया था कि टीलोफेज जब अवस्था होती है तो उस टीलोफेज अवस्था में या फेज में अपने पास इसका ओरिजिन स्टार्ट हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं जो स्टार्ट होता है वो कब होता है, टीलोफेज में, टीलोफेज में यह क्या होती है, बनना अपने पास स्टार्ट हो जाती है, और जो फॉर्मेशन होता है इसका वो किससे होता है, वो फ्रेग्मोप्लास्ट से होता है। तो हम यहां लिखते हैं कि फॉर्मेशन बाय फ्रेग्मोप्लास्ट, ठीक है, किससे होता है, फ्रेग्मोप्लास्ट से क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। ये चीज, दो चीजें अपने को याद रखना है, स्टार्ट कब होता है, टीलोफेज अवस्था में, प्लस इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कौन सा, किसके द्वारा होता है, फ्रेग्मोप्लास्ट के द्वारा होता है। अब फ्रेग्मोप्लास्ट होता क्या है वो देखिए, फ्रेग्मोप्लास्ट मेनली क्या होता है, 3 यूनिट से क्या जुड़कर बना होता है। तो हम यहां लिखते हैं कि फ्रेग्मोप्लास्ट की जो 3 यूनिट है वो कौन सी है, तो हम यहां लिख रहे हैं फ्रेग्मो जो प्लास्ट है वो मिलकर बना होता है आपका गोल्जी बॉडी प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि गोल्जी बॉडी प्लस ईआर प्लस स्पिंडल फाइबर, क्या, स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, क्या होता है,
अपने पास फ्रेगमोप्लास्ट की जो यूनिट होती है वो अपने पास ये होती है। ये चीज अपने को ध्यान रखना है। ओरिजिन के अंदर की टेलोफेज अवस्था में ये क्या होती है, बनना स्टार्ट होती है। किसके द्वारा बनती है, फ्रेगमोप्लास्ट के द्वारा बनती है। और फ्रेगमोप्लास्ट की यूनिट क्या होती है, गोल्जी बॉडी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, प्लस स्पिंडल फाइबर होता है। दूसरा चीज अपन यहां देखें कि जो अपने पास सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है वो किस वे में होता है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल टाइप का होता है। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या होता है कि इसका बनना, देखिए हम यहां एक बार लिख देते हैं किस टाइप से बनता है, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। क्या होता है अपने पास, सेंट्रीफ्यूगल। मान लीजिए अपने पास ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, और सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या है, जब ये डिवाइडेशन होगा या सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा वो सेंटर से इसके पेरिफेरल पार्ट यानी कि परिधि तक जाएगा। कहां जाएगा, सेंटर से अब इसकी सेल वॉल बनना स्टार्ट होगी और परिधि की ओर जाएगी, तो ये होता है अपने पास सेंट्रीफ्यूगल टाइप का फॉर्मेशन। यानी कि यहां सेंटर से सेल वॉल बनेगी और कहां, परिधि की ओर जाएगी या पेरिफेरल पार्ट की ओर क्या होगी, मूवमेंट होगा। तो प्लांट्स में इस प्रकार से सेल वॉल का क्या होता है, डिवीजन या सेल का डिवीजन होता है। जबकि अपने पास जो एनिमल सेल होती है उसमें क्या होता है, फ्यूरो मेथड, खांच विधि द्वारा होता है। उसमें क्या होता है अपने पास, मान लीजिए ये सेल है, इस सेल में क्या होती है, फ्यूरो बननी है, यहां से क्या बनती है, फ्यूरो या खांच बनती है, कुछ ऐसे हो जाती है, और लास्ट में यह क्या होती है, दो कोशिकाओं में क्या होती है, डिवाइड हो जाए। तो ये तो होता है फ्यूरो मेथड, और ये होता है भाई प्लेट मेथड, ठीक है। तो यहां पर जो अपने पास सेंट्रीफ्यूगल टाइप का डिवीजन पाया जाता है, तो ये अपने पास ओरिजिन का बात पूरा हुआ कि ओरिजिन में क्या क्या होता है, स्टार्ट टेलोफेज में होती है, फ्रेगमोप्लास्ट होती है, और फ्रेगमोप्लास्ट ईआर, गोल्जी बॉडी और स्पिंडल फाइबर से मिलकर बनी होती है, ठीक। अब हम बात करते हैं सेल वॉल में ग्रोथ की, कि सेल वॉल में जो ग्रोथ होती है वो मेनली अपने पास टू टाइप की पाई जाती है। एक होता है अपने पास इनटू सुसेप्शन और एक होता है अपने पास अपोजिशन, यानी कि अपने पास कणाधान और स्त्राधान। हिंदी में बोले इनटू सुसेप्शन को बोलते हैं कणाधान और अपोजिशन को बोलते हैं स्त्राधान, ठीक है। तो इनटू सुसेप्शन प्रकार की जो ग्रोथ होती है उसमें क्या होता है, जब सेल वॉल का क्या हो रहा होता है, फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे अपने पास स्प्रे वाला जो अपने पास बोतल आता है, उस स्प्रे वाले बोतल में जैसे ही अपन उसको यूं दबाते हैं तो पानी का क्या होता है, फुहारों के रूप में, स्प्रे के रूप में बाहर आता है, फुहारे के रूप में। तो इसी प्रकार इनटू सुसेप्शन या फिर कणाधान में होता है, यहाँ क्या होता है, ऐसे कुछ स्प्रे टाइप में होता है, ठीक है, स्प्रे टाइप में होता है। और वो जो पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स किसके बीच में, अपने पास मैट्रिक्स और सेल्यूलोजिक जो फाइबर होते हैं उनके बीच में आकर क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तो यहाँ ये होता है अपने पास इनटू सुसेप्शन प्रकार की ग्रोथ। इस ग्रोथ में होता है क्या अपने पास, जैसे अपने पास इसको क्या बोलते हैं अपन, स्प्रे, अपन नॉन एज स्प्रे पेंट, यानी कि स्प्रे पेंट का मतलब वही है, जिस स्प्रे का बोतल आता है उसको दबाते हैं और स्प्रे के रूप में या फुहारे के रूप में अपने पास पानी आता है चारों ओर, तो उसी प्रकार ये ग्रोथ होती है। तो इस ग्रोथ में जो अपने पास जो कण निकलते हैं या वो फुहारे के रूप में जो पार्टिकल्स निकलते हैं, वो आपका मैट्रिक्स और आपके पास सेलुलोजिक फाइबर्स के बीच में क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। इसके अलावा जो ये वाली ग्रोथ पाई जाती है इनटू सुसेप्शन, वो प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल, दोनों प्रकार की सेल वॉल में अपने को देखने को मिलती है। अब बात करते हैं अपन अपोजिशन के बारे में, कि अपोजिशन या स्त्राधान में होता क्या, यहां पर जो आपकी जो पास मैट्रिक्स होती है, उस मैट्रिक्स, मान लीजिए आपका मैट्रिक्स और इस पर जो ग्रोथ होगी वो क्या होगी, एक लेयर्स के रूप में होगी, ठीक है, लेयर्स के रूप में पार्टिकल आके क्या होंगे, इस पर डिपॉजिट होंगे, तो इसके इसे बोलते हैं अपन स्त्राधान। और इस प्रकार की जो ग्रोथ होती है वो केवल और केवल अपने पास सेकेंडरी सेल वॉल में ही देखने को मिलती है। तो ये अपने पास हो गई ग्रोथ की बात। अब अपन बात करते हैं अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे किसके, पिट्स के बारे में या गर्त के बारे में, गर्त होते क्या है। तो आज अपन ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है सेल वॉल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर, कि सेल वॉल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर में मेनली कितने पार्ट होते हैं। तो सेल वॉल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक होता है अपने पास नॉन सेल्युलोजिक या मैट्रिक्स पार्ट, दूसरा होता है अपने पास कौन सा, फाइब्रिल पार्ट, जो नॉन सेल्यूलोजिक या मैट्रिक्स पार्ट होता है उसमें अपने पास H2O देखने को मिलता है, ओस्टो के अलावा हेमी सेल्यूलोज, पैक्टीन, लिपिड और ग्लाइको
प्रोटीन। यहां पर अपने पास हेमिसेलुलोज हेटेरोपॉलीसेकेराइड होता है जो जाइलोज, ग्लेक्टेज, मेनोज, रेबिनोज और अरेबिनोज का क्या मेना होता है, ठीक है। इसके अलावा वो एक बाइंडर की तरह वर्क करता है, वो क्या करता है मैट्रिक्स में क्या करता है सेलुलोज फाइबर्स को क्या करता है बाइंड करने का काम करता है। इसके अलावा अपने पास लिपिड आता है तो लिपिड क्या करता है वो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स को क्या ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। पेक्टिन क्या करता है इम्बिबेशन या अंतःचूषण की प्रक्रिया करता है। और नॉन सेलुलर और फाइब्रिल वाले पार्ट में आपको पता था फाइबर वहां उपस्थित थे। अब हम बात करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर किससे बनी होती है, तो अपने को पता है बीटा ग्लूकोज के 3000 मॉलिक्यूल्स या 3000 मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं तो अपने पास सेलुलोज का फॉर्मेशन होता है। और जब सेलुलोज के 100 मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं तो अपने पास माइसिली का निर्माण होता है। और जो माइसिली होती है वो सबसे छोटी सेल वॉल की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। ये बात ध्यान रखना कि स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल वॉल इज नोन एज माइसिली, ठीक है। इसके बाद माइसिली के आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स 20 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे और 20 मॉलिक्यूल्स जुड़कर किसका माइक्रोफाइब्रिल का फॉर्मेशन करेंगे। और माइक्रोफाइब्रिल के 215 मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे अपने पास मैक्रोफाइब्रिल का। इसके बाद अपन बात करते हैं ओरिजिन ऑफ सेल वॉल का, कि सेल वॉल का ओरिजिन कैसा हुआ। तो अपन ने वहां पढ़ा था कि सेल वॉल का जो ओरिजिन हुआ था वो टीलोफेज अवस्था में हुआ था, सेल डिवीजन की टीलोफेज अवस्था में। और इसका फॉर्मेशन के लिए उत्तरदायी जो कारक था वो था फ्रेग्मोप्लास्ट। और फ्रेग्मोप्लास्ट मेनली तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और अपने पास स्पिंडल फाइबर। और इसमें जो डिवीजन होता है वो सेंट्रीफ्यूगल यानी कि सेंटर से परिधि की ओर, सेंटर टू पेरिफेरल पार्ट में होता है। और अपन एनिमल सेल्स में देखें तो उसमें वाया फ्यूरो मेथड होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं ग्रोथ की, तो ग्रोथ अपने पास टू टाइप की देखने को मिलती है। एक तो होती है इंटू सुसेप्शन और एक होती है अपने पास अपोजिशन, ठीक है। इंटू सुसेप्शन क्या होती है, इसे स्प्रे पेंट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह स्प्रे के रूप में पार्टिकल्स को क्या करती है निकालने का काम करती है। और यह केवल और केवल प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल दोनों में देखने को मिलती है। इसके अलावा अपोजिशन होती है वो मैट्रिक्स पर एक लेयर्स के रूप में पार्टिकल्स को क्या करती है डिपोजिट करने का वर्क करती है। और ये केवल और केवल आपको सेकेंडरी सेल वॉल में देखने को मिलेगी।